Do good, have good is a well-known saying that means if we do good for others, we will get back the same. अगर हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो दूसरे भी हमारे साथ बिहेवियर अच्छा ही रखेंगे, वो भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, है ना? तो हमें हमेशा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमें भी आगे से अच्छा ही रिटर्न में मिले. सो वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास चिल्ड्रन. लेट्स स्टार्ट आवर डे विद मॉर्निंग प्रेयर. Fold your hands, close your eyes. Let's recite the prayer. Children, today we will learn lesson number 10 of our grammar book, that is the present tense, given on page number 81. Under this topic, we will learn the proper usage of different types of present tense, that is present simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. You should know what is a tense. Tense hota kya hai beta? Jo hamara samay hai, jo bhi time hai, jo chal raha hai, ya jo beet chuka hai, ya jo aane wala hai, jo bhi time hai, isko hum kya bolte hain? Tense. Jo kaal hai, jo samay hai, usko hum kya bolte hain? Tense. Tenses are of three types. Three types के tenses होते हैं. First is present tense. Next is present tense कौन सा है? जो भी चल रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है? I'm teaching, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ आपको. And you all are learning, आप सब पढ़ रहे हो, learn कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो. तो वो क्या है? Present tense, जो काम हो रहा है, अभी जो time चल रहा है, उसको बोलते हैं present tense. And next is past tense मतलब जो बीत चुका, जो हो चुका, भूतकाल बोलते हैं हिंदी में इसको, और इसको वर्तमान काल बोलते हैं हिंदी में, इसको भूतकाल बोलते हैं.
चुका है, हमारा टाइम बीत चुका है, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। और जो हमने अभी टाइम आता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हमारे पास थ्री टेंसेस हैं। आज हम कौन सा टेंस करेंगे, प्रेजेंट टेंस। ये बताओ नाउ सी चिल्ड्रन, प्रेजेंट टेंस के अंदर हम कौन कौन से टाइप्स ऑफ टेंसेस करेंगे। नाउ वन, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर फोर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों, ये फोर टाइप्स के टेंसेस हम प्रेजेंट टेंस के अंदर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लेंगे। वी यूज टू एक्सप्रेस दिस टेंस टू एक्सप्रेस द फील। चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लेंगे। We use to express things that happen in present, but not necessarily in present now. Children, we first of all will take up. Children, first of all will take up simple present tense. सबसे पहले हम क्या लेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन दिस टेंस वी यूज टू एक्सप्रेस द थिंग्स दैट हैपन इन प्रेजेंट बट नॉट नेसेसरी हैपनिंग नाउ। हम ऐसी चीजें इसमें एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे भी लेते हैं कि जो भी काम हमारा प्रेजेंट में होता है वो जरूरी नहीं है कि अभी भी वो काम हो रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भी काम हमारा प्रेजेंट हम क्या ले सकते हैं, द हैबिट्स, जो हमारी हैबिट होती है, या थिंग्स दैट रिपीटेड, दैट आर रिपीटेड, कोई भी रिपीटेड थिंग्स जो होती हैं, जैसे कि हैबिट होती है ना, आई गो फॉर वॉकिंग, मैं डेली वॉकिंग जाती हूँ, ये मेरी हैबिट है, इट्स अ हैबिट। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, आई गो फॉर वॉक डेली। नेक्स्ट इज, और हम किसके लिए यूज करते हैं, द फैक्ट्स, जो भी ट्रुथ होता है, जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व करती है ना राउंड सन के आसपास, घूमती है ना अर्थ, तो वो क्या है, फैक्ट है, दैट इज अ फैक्ट, वो भी प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक है, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके रूल्स क्या है बेटा, इसमें हम क्या यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, है ना, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
नहीं लगाया क्यों? क्योंकि आई जो है वो प्लूरल में काउंट होता है या फिर बी को फोर काउंट यूज करता है। अगर हम फिंगर लिखते हैं बी को फॉर अ वॉक, यहाँ पे बी क्या है सब्जेक्ट प्लूरल हो गया और को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने ऐसे ही एस नहीं लगाया बिकॉज इट्स प्लूरल। और अगर हम सिंगुलर लेते हैं तो हमारा सब्जेक्ट ही को फॉर अ वॉक, देन इट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमने क्या हमारा सिंगुलर के साथ हमने क्या यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आ गई, लेकिन एस या ई एस नहीं लगा रहा तो हमने क्या करना है यहाँ पे एस या ई एस बनाएंगे क्या है ई एस goes, he goes for a walk, अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। Now children, let's try worksheet number 1. Fill in the blanks with the simple present tense of the verbs given in the brackets. बेटा brackets में आपको verbs given है, आपने इनको simple present tense में लिखना है। ये तो आपको पता ही है कि simple present tense में क्या होता है, first form of verb हम use करते हैं और s या es हम singular subject के साथ लगाते हैं, है ना? तो उसको आपने ध्यान में रखकर आपने ये you have to complete this worksheet. Number 1, mother dash us to school every morning, drive. Number 2, it dash in winter and you can make a snowman, snow. Number 3, father dash from work at 7 p.m. return, return means वापिस आना. Number 4, the dogs dash the squirrels, chase, chase means पीछा करना और squirrels क्या होती है गिलहरी. Next is worksheet number 3. Sandy the seal is back with a box of present tense verbs. Change the verb into the correct form to complete the following sentences. बच्चे यहाँ पे आपको verbs given है box में, आपको जो भी verb आपको appropriate लगता है present form में वो आपने यहाँ fill करना है. Number 1, Sneha always dash the truth. Number 2, Rahul often dash his pencil box at home. Number 3, the students dash the teacher. Number 4, Roger dash the narrator marathon every year. Marathon बच्चे एक रेस होती है, marathon रेस, उसमें सब participate करते हैं, कोई भी participate करते हैं जो भी, तो वो marathon रेस होती है. And the words given in box are win, win means जीतना, greet, greet means किसी को भी हम अभिवादन करते हैं, किसी को हम जब मिलते हैं तो उसको हम wish करते हैं ना, that is called greet. Number 3, tell, tell means बताना. Next is walk, walk आपको पता है चलना, पैदल चलना. Learn, learn means सीखना. Teach, teach means पढ़ाना या सिखाना. Next is land, land means ज़मीन. And the last one is forget, forget means भूलना. Now you have to fill all these words accordingly here. Now the next type is present continuous tense. Present continuous tense means when we express this tense, when the action is going on, कोई भी काम अभी हो रहा है, the action is still going on, कोई काम अभी भी हो रहा है, तो it shows the present continuous tense.
Now next is worksheet number 4. Fill in the blanks with the present continuous tense of the verbs given in the brackets. बेटा आपको रूल पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए क्या रूल यूज़ होता है. जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. जितने भी हमें ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ब्स दिए हुए हैं, उनके साथ हमने इज एम आर यूज़ करना है. अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो आर यूज़ होगा, है ना. आई के साथ एम यूज़ होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. नंबर वन, द डॉक्टर डैश टेस्ट बॉबीज आईज. नंबर टू, लीना डैश स्क्वीज आउट सम टूथपेस्ट. स्क्वीज मीन्स दबाना, निचोड़ना किसी चीज को. नंबर थ्री, द मैकेनिक डैश रिपेयर द इंजन ऑफ अ कार. रिपेयर मीन्स ठीक करना किसी चीज को. नंबर फोर, द पुलिसमैन डैश पेट्रोल आर स्ट्रीट. पेट्रोल मीन्स पुलिसमैन जो चक्कर लगाते हैं ना, चेकिंग के लिए आते हैं, बीच बीच में राउंड लेते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलिंग. नाउ इट्स टर्न फॉर वोकेबलरी वर्ड्स. नंबर वन, ऑड ओ डबल डी ऑड. ऑड मीन्स बिल्कुल हटके, अलग. एक ग्रुप होता है, कोई ग्रुप में से बिल्कुल अलग जो है कोई भी चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑड. विषम जिसको हिंदी में बोलते हैं. द सेंटेंस फॉर दिस इज सम पीपल आस्क ऑड क्वेश्चंस. नंबर टू, ऑर्डर ओ आर डी ई आर. ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आदेश देना, हुक्म देना. जब हम किसी को आदेश देते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं ना, हुक्म देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर. द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू सिट टुगेदर. नंबर थ्री, ऑर्डिनरी ओ आर डी आई एन ए आर वाई. ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, बिल्कुल सिंपल. द सेंटेंस फॉर ऑर्डिनरी इज इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी कैमरा. नंबर फोर, ऑब्स्टेकल ओ पी एस टी ए सी एल ई. ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मीन्स बाधा, रुकावट. एंड द सेंटेंस इज लैक ऑफ क्वालिफिकेशन कैन बी अ मेजर ऑब्स्टेकल इन फाइंडिंग अ जॉब. कि जॉब को ढूंढने में अगर हमारी क्वालिफिकेशन प्रॉपर नहीं है तो हो सकता है कि ये एक रुकावट हो. नेक्स्ट इज ओकेजन ओ डबल सी ए एस आई ओ एन. ओकेजन मीन्स मौका, अवसर या कोई खास स्पेशल डे. द सेंटेंस फॉर दिस इज शी ड्रेस्ड अप हरसेल्फ फॉर द ओकेजन. Now it's homework time. Do worksheet 1, 2, 3 and 4 in grammar book. That's all for today's class. See you very soon in our next class. Till then, stay happy, stay safe.